प्रियंका और लेकर इज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ प्रियंका और लेकर आई हूँ 10 जनवरी की अपडेट की हम बात करेंगे। कल दिन भर जो भी अपडेट रहा उसकी हम बात करेंगे। ये मेरा रेफरल कोड है जिसे आप अनअकैडमी प्लस कोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो बहुत सारे टॉपिक हैं आज, कम से कम 15 से 16 टॉपिक्स हैं, ठीक है। जोरान मिलानोविक ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं, नए, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। किसने? जोरान मोलानोविक ने, मिलानोविक ने, सॉरी, ठीक है। तो क्रोएशिया के नए प्रेसिडेंट का नाम रखना है आपको जोरान मिलानोविक। इसके अलावा इनके लिए जो याद रखना है वो ये कि वो पहले वहां के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये पूछा जा सकता है जोरान मिलानोविक जो हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति रह चुके बने हैं, इससे पहले वे किस पद पर रह चुके हैं? तो वे प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं, ठीक है। चलिए ये तो थी क्रोएशिया की बात, क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति की बात। और एक और चीज़ जो इसमें मैंने ऐड करी है वो है कॉलिंदा ग्रैबर किटारोविक के बारे में। वो क्रोएशिया की पहली महिला राष्ट्रपति, महिला प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, ठीक है। कॉलिंदा ग्रैबर किटारोविक क्रोएशिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट लेडी, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी की बात करें तो जाग्रेब है, जाग्रेब। क्रोएशिया की मुद्रा की बात करें तो क्रोएशियाई कूना इसकी मुद्रा है। फिर हम बात करते हैं, ईरान ने अमेरिकी सशस्त्र बलों और पेंटागन को आतंकवादी संस्था के रूप में नामित किया है, ठीक है। ईरान ने अमेरिकी सशस्त्र बलों और पेंटागन को आतंकवादी संस्था के रूप में नामित किया है। याद रखने लायक यही है, बाकी डिटेल देख लीजिए, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ईरानी संसद, ईरानी पार्लियामेंट, इन्होंने अप्रूव किया है, ठीक है, अमेरिकी सेना को और पेंटागन को एक आतंकवादी संगठन के रूप में। बिल में आगे सरकार को अमेरिका द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सोलेमान की हत्या का बदला लेने के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉप्स IRGC कुड्स फॉर को 200 मिलियन यूरो आवंटित करने को कहा गया है। ईरान ने IRGC को कुड्स फॉर कमांडर जनरल सोलेमानी और इराक के पॉपुलर फोर्सेस कमांडर अबू मेहदी अल मोंदांदिस के साथ 8 अन्य सैनिक जवानों को अमेरिकी सेना में मार गिराया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है। ईरान की अगर बात करें तो ईरानी संसद है मजलिस, राष्ट्रपति है हसन रूहानी, राजधानी है तेहरान और मुद्रा है रियाल। कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर फोर्ब्स की वर्ष 2020 की शीर्ष 20 प्रभावशाली लोगों में शामिल हैं। कन्हैया कुमार और प्रशांत कुमार, अब इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो ये बिहार के दो युवा नेता कन्हैया कुमार और प्रशांत कुमार 2020 में फोर्ब्स इंडिया के 20 प्रभावशाली लोगों में शामिल हैं, ठीक है। मतदाता रणनीतिकार हैं प्रशांत कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जबकि कन्हैया कुमार JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। कन्हैया कुमार सूची में 12वें स्थान पर हैं, जबकि प्रशांत 16वें पर। ये नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। कन्हैया कुमार 12वें पर हैं और प्रशांत किशोर 16वें स्थान पर हैं फोर्ब्स के 20 प्रभावशाली लोगों में, ये दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय मूल की जसबिंदर बिलान ने UK में चिल्ड्रन बुक अवार्ड जीता है। आज के थंबनेल में हमने जिसे लिया है उनकी हम बात कर रहे हैं। भारतीय मूल की है ये जसबिंदर बिलान, UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड इन्होंने जीता है, ठीक है। इंडिया में जन्मी है जसबिंदर बिलान, यूनाइटेड किंगडम का कोस्ट्रा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 इन्हें दिया गया है। उन्होंने अपने प्रथम उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए पुरस्कार जीता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जसबिंदर बिलान, कोस्ट्रा चिल्ड्रन अवार्ड 2019, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, ठीक है, और भारतीय मूल की हैं ये। आशा एंड द स्पिरिट बर्ड जो 9 वर्ष से और उससे अधिक के पाठकों पर ध्यान केंद्रित करता है, संक्षिप्त सूची में शामिल 3 अन्य पुरस्कारों को प्रतियोगिता में हरा कर 2019 का कोस्ट्रा चिल्ड्रन अवार्ड इन्होंने जीता है। जसपिंदर के उपन्यास 144 प्रविष्टियों में से चुने गए थे, शॉर्टलिस्ट जो हुई थी वो 144 एंट्रीज हुई थी जिसमें से जसबिंदर को चुना गया है।
उन्हें पुरस्कार के विजेता के रूप में 5,000 पाउंड की धनराशि मिलेगी। एज अ जनरल अवेयरनेस ये अच्छा है आपके लिए, 5,000 पाउंड की धनराशि मिलेगी। ये पुरस्कार यूके और आयरलैंड में रहने वाले लेखकों के लिए है। कौन सा? कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड, ठीक है, कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड यूके और आयरलैंड में रहने वाले लेखकों के लिए है। प्रथम उपन्यास, जीवनी, कविता, बाल पुस्तक 5 श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर में गैस ग्रिड स्थापित करने के लिए सरकार ने 5,559 सही बोला ना, 5,559 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करी है, ठीक है। 8 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1656 किलोमीटर गैस ब्रिज के निर्माण के लिए, याद रखना है आपको, 1656 किलोमीटर गैस ब्रिज के निर्माण के लिए 5,559 करोड़, ये भी आपको याद रखना है अमाउंट, वायबिलिटी ग्रांट फंडिंग मुहैया कराने का प्रस्ताव मंजूर किया है। ये फंड नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में गैस पाइपलाइन विकसित की जाएगी इससे, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1656 किलोमीटर, 5,559 करोड़ रुपए का फंड है और ये फंड नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए दिया जाएगा इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को। 8 राज्यों में ये गैस पाइपलाइन विकसित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति वेल AEPC अपैक बी से बोला जाता है कि अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपैक ने ए शक्ति वेल को संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। 2020-21 की अवधि के लिए यहाँ रहेंगे। इसके अलावा HKL मागू की वो जगह लेंगे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने ए शक्ति वेल को नया अध्यक्ष चुना है। ए शक्ति वेल ने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने HKL मागू की जगह ली है, ठीक है। और इतिहास में वैसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जो कि चौथी बार शपथ ली है जिन्होंने, मतलब वो अध्यक्ष के रूप में चौथी बार नियुक्त हुए हैं। शक्ति वेल ने कुछ निर्यातकों के साथ मिलकर 1990 में तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी। जनरल अवेयरनेस के लिए ये आपका। फिर हम बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2020 का पांचवें सबसे बड़ा भू राजनीतिक संकट बना है, यूक्रेशिया ग्रुप की ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, पांचवा सबसे बड़ा भू राजनीतिक संकट। राजनीतिक जोखिम परामर्श कंपनी, पॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंसी कंपनी है यूरेशिया ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2020 के पांचवें सबसे बड़े भू राजनीतिक संकट के रूप में सूचीबद्ध किया है। यूक्रेशिया ने कहा है कि मोदी ने एक आर्थिक एजेंडे की कीमत पर विवादास्पद राजनीतिक नीतियों को बढ़ावा देने को लेकर अपने दूसरे कार्यकाल अप्रैल और मई के चुनाव जीतने के बाद काफी समय व्यतीत किया। इसका प्रभाव 2020 में महसूस किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो उनका स्टेटमेंट था जो इसलिए मैंने ऐड किया है बताने के लिए। आपको याद रखना है, यूरेशिया ने जो रिपोर्ट दर्ज करी है उसमें पांचवा सबसे बड़ा भू राजनीतिक संकट कहा गया है भारत को। फिर हम बात करते हैं, गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। इंस्टीट्यूशन एट गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी टू गेट स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस दैट्स इट। इसमें इतना ही था याद रखने लायक, किन आयुर्वेद विश्वविद्यालयों को सूची में दर्ज किया गया है? तो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के रूप में दर्जा मिलेगा, ठीक है। फिर SBI ने रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी योजना की शुरुआत करी है, ठीक है। ये डिटेल आप या तो पढ़ लीजिएगा या मैं पढ़ देती हूँ, चलिए याद यही रखना है हमने। SBI ने रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी योजना शुरू करी है। देखो, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 8 जनवरी 2020 को, ठीक है, 8 जनवरी 2020 को रेजिडेंशियल बिक्री के लिए जो भी घर खरीदार हैं
उन्हें रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद द बायर गारंटी योजना की घोषणा करी है, इसे बढ़ावा देने के लिए। इस योजना के तहत एसबीआई उन ग्राहकों को चुनिंदा आवास परियोजना को पूरा करने की गारंटी जारी करेगा जिन्होंने उससे आवास ऋण लिया है। ये योजना 10 शहरों 50 करोड़ रुपए तक की किफायती आवास परियोजना पर केंद्रित होगी। आरबीबीजी के तहत बैंक द्वारा परियोजना को अधिकृत प्रमाण पत्र ओसी मिलने तक की गारंटी है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं कि आरबीआई ने चुनिंदा बैंकों के माध्यम से 24/7 विदेशी मुद्रा बाजार संचालन की अनुमति दी है। ठीक है, बैंकों के नाम अभी नहीं पता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में चयनित बैंकों को भारतीय ग्राहकों को 24 घंटे के लिए विदेशी मुद्रा दर प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो ये न्यूज़ मुझे पूरी नहीं मिल पाई थी, इसलिए इसकी जैसी पूरी मुझे जानकारी मिलेगी आज मैं कल आपको शेयर कर दूंगी। फिर है महाराष्ट्र एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का आयोजन करेगा। ठीक है, एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे औरंगाबाद में एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 कहाँ संचालित किया गया? महाराष्ट्र में। 4 दिवसीय विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा किया गया। ठीक है, मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का उद्घाटन। फिर है वेटलिफ्टर सरबजीत कौर को डोपिंग के लिए 4 वर्ष प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डोपिंग के लिए सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले 2017 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता सीमा पर भी डोपिंग का आरोप लगाया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। डेली जी की अपडेट होता है, डेली देखिए, डेली अपडेट करिए और रिवीजन ज़रूर करिए। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत बार बोलती हूँ, रिवीजन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे साथ क्विज भी खेल सकते हो, स्टेटस में वहाँ क्विज अपलोड करती हूँ आपको इसके लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।